आ गए। देखो भाई ध्यान समझना, देखो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि दो समानांतर इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर, जिसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इनके बीच में 1 ग्राम तुल्यांक भरा हुआ हो, तो ऐसी चालकता कैसी चालकता कहलाती है? विशिष्ट, सॉरी, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ध्यान से मेरी एक बात समझना, माना माना ध्यान से समझना, विलयन का वी आयतन, ध्यान से समझो, आयतन मैंने ले लिया है विलयन का वी आयतन, जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भरा हुआ होगा, क्या भरा हुआ हो, पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भरा हुआ हो, तो जरा मुझे एक चीज बताओ ना, ध्यान से समझना, वी आयतन है यानी कि इनके बीच में दूरी तो 1 सेंटीमीटर है, क्या है, दूरी तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इनका जो आयतन है वो है वी। बस यही एक कंसेप्चुअल चीज है जो आपको समझनी है ढंग से। वी आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक भरा हुआ है, दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो क्या क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा? ध्यान से समझो भाई, एक गिलास है और एक कटोरी है, कटोरी का आयतन गिलास से ज्यादा है, हम अच्छे से जानते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस कटोरी के अंदर मैंने 1 चम्मच पानी डाला हुआ है, 1 चम्मच पानी डाला हुआ है, तो ये 1 चम्मच गिलास का जितना आयतन होगा उतना ही तो घेरेगा। अगर गिलास का वी आयतन है तो ये 1 चम्मच क्या 20 चम्मच मतलब इस वॉल्यूम को नहीं घेरेगा? अगर मैं इसी को कटोरी के अंदर कर दूं तो अब कटोरी का आयतन माना मेरा हल्का सा बढ़ गया है, V+V' हो गया है, वॉल्यूम बढ़ा, तो जो 1 चम्मच जो क्या 1 चम्मच जो मैंने पानी डाला हुआ है वो क्या अब इतना आयतन नहीं घेरेगा? अगर मैं ये कहूं कि दूरी 1 सेंटीमीटर है, दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 ग्राम ये तुल्यांक भरा हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम मैंने दे दिया है वी है, अगर वॉल्यूम वी है तो क्या इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा? बताओ भाई, यानी कि जो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये 1 ग्राम तुल्यांक है ये कितना स्थान घेरेगा? ये घेरेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर स्थान। पहले तो ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना क्षेत्रफल घेरा है उसने। अरे आयतन जितना होगा उतना ही तो क्षेत्रफल घेरेगा। आयतन अगर वी प्लस, अगर आयतन मेरा, हमारे पास जितनी जैसे मेरे पास पानी है, एक लोटा पानी, उस एक लोटे पानी को परात में कर दूं तो वो एक लोटा पानी उतना ही आयतन घेरेगा जितना क्या है उस परात का स्थान है। अगर उसी एक लोटे पानी को आपने बोतल के अंदर कर दिया तो इस बोतल का आयतन कम है तो इस बोतल के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम घेरेगा। तो समझ गए, जबकि 1 सेंटीमीटर दूरी है, 1 ग्राम ही तुल्यांक भरा हुआ है, आयतन वॉल्यूम वी है, तो वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल घेरेगा कि नहीं घेरेगा? यहां से देखो कप्पा बराबर, बस यही चीज समझने की थी, बाकी कुछ भी नहीं है। कप्पा बराबर क्या था? LC/A था ना, ये सी तो निकालना है मुझे, इससे मतलब नहीं है, ये तो मैंने स्पेसिफाई कर दी, ये तो विशिष्ट चालकता है। अब मुझे निकालनी है तुल्यांक की चालकता, तो मुझे इस सी, इस नॉर्मल कंडक्टिविटी को बाहर निकालो, क्या आएगा? इस सी बराबर क्या आ जाएगा? ए का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्या आएगा? ए कप्पा अपॉन एल आएगा कि नहीं आएगा? सी, मुझे सी को तुल्यांक की चालकता में बदलना है। ये सी तुल्यांक की चालकता में कब बदल सकता है? जब वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हूं, इलेक्ट्रोड किसकी दूरी पर हूं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हूं, और क्षेत्रफल क्या हो? वी हो, अर्थात एल बराबर क्या हो?
वन सेंटीमीटर और ए बराबर क्या हो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब यहाँ पे ये कंडक्टिविटी अब किसमें बदल जाएगी, तुल्यांक की चालकता में। और तुल्यांक की चालकता तो चाहो तो इस लैम्ब्डा से व्यक्त करो, चाहो तो आपकी बुक के अंदर ये दे रखी है इस लैम्ब्डा से, ठीक है, जिस भी लैम्ब्डा से व्यक्त करना चाहे उससे कर दे, मैं तो अक्सर कर उसी से करती हूँ, तो मेरा हाथ उससे बैठा हुआ है ये वाली लैम्ब्डा। अब ये चालकता क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता, कब, जब क्षेत्रफल वी हो, क्षेत्रफल क्या हो वी हो, कप्पा तो कप्पा रहेगा ही, और एल बराबर क्या हो कप्पा वन हो, तो यहां से तुल्यांक की चालकता किस किस का गुणनफल आ गई, विशिष्ट चालकता और जो आयतन जो घिर रहा था उसके गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है भाई, बराबर होती है। अब देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है, देखो ये तो ऐसी चलेगी, ये यूनिटी ऐसी है, अब ये नहीं है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो निकल चुका है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको यहीं की यहीं समझ में आ जाए चीजें, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। 1 ग्राम तुल्यांक से मतलब, जैसे अगर मैं ये कहूं कि 1 ग्राम मोल के अंदर 6.023 × 10²23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर किसी भी पदार्थ के मोल होते हैं, उसी प्रकार अगर मैं ये कहूं तो पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा में, पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा में पदार्थ का 1 तुल्यांक भरा हुआ हो, जैसे देखो एग्जांपल समझ में आएगा, जैसे H2O नहीं, सिंपल HCl, ठीक है, इस HCl का 1 ग्राम तुल्यांक निकालना है, इस HCl का 1 ग्राम तुल्यांक निकालना है, तो अच्छा देखो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है 1, इसका क्या है 35.5 है या नहीं, तो ये कितना आयन को जोड़ोगे तो 36.5, यानी कि ये तो 36.5 है, ध्यान रखो जब मुझे इसका तुल्यांक की भार निकालना होगा, क्या निकालना होगा, मुझे किसी भी पदार्थ का तुल्यांक की भार निकालना हो, सबसे पहले निकालना है मुझे तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार निकालो, तुल्यांक की भार देखो कितना होता है, जिस पदार्थ का आपको तुल्यांक की भार निकालना हो उसके H प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या से भाग दे दें तो हम उसका तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं, यहाँ H प्लस आयन कितने हैं, 1 है तो 1 का भाग दे दो, यही इसकी मोलर चालक, यही इसका ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल होगा और यही इसका 1 ग्राम तुल्यांक होगा, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर उस पदार्थ के 36.5 ग्राम तुल्यांक घुले हुए होंगे वो उसका 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैसे 1 ग्राम मोल की बात करते हो, 1 ग्राम मोल में हम क्या निकालते हैं, सिर्फ 6.023 × 10²23 से, यानी कि इतना इसमें इतने परमाणु हो उस तरीके से, ध्यान रखना वहां तो 6.023, ध्यान रखना जिनकी जिनके तुल्यांक की भार और मोलर भार समान होते हैं उनके लिए 1 ग्राम तुल्यांक और 1 ग्राम मोल का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर मैं बात करूं तो देखना, अच्छा देखो बताओ भाई 1 ग्राम तुल्यांक, देखना ध्यान से, 1 ग्राम तुल्यांक किस में मिले हैं, वॉल्यूम मैंने ले लिया है 1000 ml, वी की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है 1000 ml, क्या है 1000 ml, तो देखना 1 ग्राम तुल्यांक मिले हैं 1000 ml में, कितने में मिले हैं 1000 ml में, बिलियन बना लिया, बना कि नहीं बना, तो देखो अगर मैं कहूं कि देखना एक चीज देखना, मैं ये कहूं सी सांद्रता का विलेय पदार्थ घुला हुआ है घुला हुआ है 1000 ml में, कितने में घुला हुआ है, ये कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया मैंने, सी कंसंट्रेशन है वहां, सी कंडक्टिविटी है, तो बताना जरा मुझे एक सांद्रता का विलेय कितने में घुला हुआ होगा, 1000 / c में नहीं घुला हुआ होगा,
1000/c में नहीं घुला हुआ होगा, यानी कि मैंने ये क्या निकाला, v निकाला कि नहीं निकाला, तो v बराबर यहां से क्या आया 1000/c, लैम्बडा बराबर क्या था कप्पा v था ना, तो लैम्बडा बराबर कप्पा इंटू 1000/c। नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, जहां c ध्यान रखना, अब ये कंडक्टिविटी नहीं है, c क्या है सांद्रता है, क्या है, मैं कह रही थी ना किसी दी हुई सांद्रता पर ध्यान रखना, माना c सांद्रता का विलेय पदार्थ कितने में घुला हुआ है 1000 ml में घुला हुआ है, तो एक सांद्रता का एक मोल पर लीटर नहीं, तुल्यांक पर लीटर कर देना इसको, है ना, क्योंकि हमें तुल्यांक की चालकता निकालनी है, मोल प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति मीटर में हो जाएगी, तो यहां से एक तुल्यांक पर लीटर कितने में घुला हुआ होगा 1000/c में नहीं घुला हुआ होगा, क्या NaOH के लिए कुछ नहीं है, बताओ भाई सोडियम का क्या होता है, बताओ सोडियम का कितना होता है, आप ही बताओ सोडियम का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, बताओ सोडियम का कितना, बताओ 23 11 11 कौन कह रहा है, परमाणु क्रमांक है ये 11 परमाणु क्रमांक है, 23 मॉलिक्यूलर वेट है, 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना 16, हाइड्रोजन के लिए कितना 23 और 10 33 और 6 कितना 39 और 1 40, 40 ही होगा, OH माइनस आयनों की संख्या 1 है, H प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या जितनी हो उससे भाग दे दो, जितना होगा उसमें भाग देते ही उसकी क्या निकल के आ जाएगी, तुल्यांक की भार निकल के आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं, यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थर्ड ईयर के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं इनको, जब वहां पे सारी चीजें पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये क्या आ गया कप्पा इंटू 1000/c, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, बाकी इसकी इकाई इकाई देख लेना बस, यूनिट मेन यूनिट है, तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या होगी, कप्पा की इकाई क्या थी, अगर सीजीएस में एक में निकाल लो बस, महो पर सेंटीमीटर थी ना, थी कि नहीं थी, 1000 की तो कोई इकाई होती नहीं है, सांद्रता की इकाई क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मैंने बोला था कि अगर आप तुल्यांक में बात कर रहे हो तो इसकी इकाई होगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, क्या ये दोबारा रिपीट करना, ये दोबारा, अरे ये अब कल कल बताऊंगी दोबारा से, अभी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, अभी हम मोलर सांद्रता निकालना सीखेंगे तब उसमें और अच्छे से सीख जाएंगे, बस इतना ध्यान रखो C बराबर क्या होता है N/V होता है भाई, C बराबर क्या होता है N/V, यानी कि इतने आयतन में इतने मोल घुले हुए हैं, लेकिन यहाँ मोल नहीं है, यहाँ कौन है, अब ये मोल नहीं है, ये ग्राम तुल्यांक है, तो इसकी इकाई क्या होगी ग्राम तुल्यांक, अगर तुल्यांक की चालकता में बात कर रहे हो, और बिलियन की बात करो V की तो ml में ले लेना, क्योंकि मैंने मिलीलीटर में लिया है तो इसको मिलीलीटर में ले लेना बस, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये इसकी क्या हो गई इकाई हुई या नहीं हुई बताओ, इकाई हुई या नहीं हुई, इस तरीके से हम, और इसकी ऐसे ही MKS में भी निकाल सकते हो, किलोग्राम कर देना बस, MKS में किलोग्राम कर देना, क्योंकि MKS में भार जो होता है वो किलोग्राम के फॉर्म में होता है, किलोग्राम पर किलोग्राम तुल्यांक पर लीटर, और ये क्या हो जाएगी महो की जगह पे सीमेंस मीटर इनवर्स, इस तरीके से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं इकाई निकाल सकते हैं, कल करेंगे मोलर चालकता मोलर कंडक्टिविटी, बहुत जल्दी खत्म होगी ये यूनिट, क्योंकि इसमें थ्योरिटिकल है सब कुछ, मैथमेटिकल कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना साथ के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े ये पूरी ऐसे हो जाएगी जैसे कोई एक, जैसे नहीं होता कि हाँ मतलब क्या आप पढ़ा रहे हो मैडम, कि बस सब ऐसे चल रहा है, ठीक है, बाकी क्या करेंगे कल की क्लास में, बाकी आपके डाउट्स हो वो कल पूछ लेना, ठीक है, कुछ पूछा है सेकंड यूनिट तक के नहीं आए, आ जाएंगे, अभी ये सर से बात करो मुझसे क्या करो, ठीक है।